हेलो दोस्तों, रफ़ीकुल डिज़ाइंस एंड टेक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, मतलब मौसम बदल रहा है तो सर्दी खांसी थोड़ा सा हो गया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ का अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ। तो ये है तो बहुत छोटी चीज़ लेकिन बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है और जिन लोगों का घर रोड के आसपास है उन लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपके घर में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है, पीसी है, तो आप लोगों को तो ये वाला चीज़ ज़रूर लेना चाहिए। तो आप लोगों को थंबनेल देख के तो पता चल ही गया है। जी हाँ, मैं कीबोर्ड कवर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर रोड साइड में आपका घर है तो धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। आप दरवाज़ा खिड़की बंद करके रखेंगे फिर भी धूल वगैरह तो आएंगे ही। तो धूल के वजह से आप लोगों का जो कीबोर्ड का स्विच होता है, तो स्विच के साइड में से धूल अंदर जाके कीबोर्ड कुछ ही दिन में ख़राब हो जाता है। तो मेरे साथ पहले भी वैसा हुआ है, इसलिए मैं प्लास्टिक वगैरह लगा के, जो प्लास्टिक कीबोर्ड के साथ आता है, उसको ही रैप करके मैं यूज़ करता था। लेकिन कुछ महीने बाद वो भी गंदा हो जाता है और दिखने में एकदम ख़राब लगता है। तो इसीलिए मैंने अमेज़ॉन से ये वाला कीबोर्ड कवर मंगाया है। तो मेरा MK200 वाला मॉडल था। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा ऊपर आई बटन में, लॉजिटेक का MK200। तो अगर आप लोगों के पास लॉजिटेक का MK सीरीज़ का कोई भी कीबोर्ड है तो आप लोग ये वाला कवर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आखिर में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एकदम छोटा सा पैकेट है। तो इसको मैंने थोड़ा सा फाड़ दिया था, लेकिन फिर से खोलूँगा, पूरी तरह से नहीं खोला मैंने। तो अभी फिर से आप लोगों को खोल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे एकदम छोटा सा पतला सा सिलिकॉन का जो कवर है, आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, और इसके अंदर मेरा डिलीवरी डिटेल्स वगैरह है। तो इसको साइड में रखते हैं और अभी कवर को देखते हैं। तो देख सकते हैं बहुत पतला सा है, और यहाँ पे एक पेपर भी है। तो पेपर में कुछ डिटेल्स वगैरह लिखा हुआ है, अगर आपके कीबोर्ड से या फिर लैपटॉप का कीबोर्ड से अगर मैच नहीं होता तो उसके बारे में लिखा है कि आप लोग वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। तो अभी इस कवर को देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फोल्ड किया हुआ है, तो इसको अनफोल्ड करते हैं। तो एकदम पतला सा है, मतलब बहुत अच्छा है, एकदम पतला, लाइट वेट, और हाथ में लेते ही बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आपका हाथ स्लिप भी नहीं होगा। ऊपर से बटन्स वगैरह देख सकते हैं, ऊपर का जो क्विक फंक्शन बटन्स वगैरह है वो भी अच्छे से दिया गया है और सही जगह पे दिया है, और सभी बटन्स वगैरह पे नंबर नाम वगैरह लिखा हुआ है, तो अच्छा है। और अंदर की तरफ एकदम मतलब स्लिप नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को खींच के दिखा रहा हूँ। तो ये सिलिकन है, बहुत अच्छे क्वालिटी का सिलिकन है, खींचने पर लंबा हो जाता है रबर जैसा। तो बहुत अच्छा मटेरियल है, और सही में मुझे ये वाला मटेरियल बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया, तो उसमें उससे भी कुछ नहीं होगा, फिर से आप सीधा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे सभी बटन्स के बीचों बीच एकदम एक्यूरेट स्पेसिंग वगैरह दिया गया है, मतलब MK सीरीज़ का जितना भी कीबोर्ड है उन सभी के साथ ये वाला कीबोर्ड कवर कंपेटेबल है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को कीबोर्ड में लगा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे कीबोर्ड का बीचों बीच जो स्पेसिंग है, यहाँ पे धूल वगैरह जाके कीबोर्ड ख़राब हो जाता है। तो अभी इसको लगाने के बाद धूल वगैरह जाने का कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे अभी ये कवर लगाते हैं। तो एकदम सिंपल है, कवर को सीधा ऊपर रख देना है बटन्स के हिसाब से, तो ये अच्छे से लग जाएगा। तो देख सकते हैं, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार अगर इसको साफ़ करना है तो ऊपर से हटा के धूल साफ़ कर दीजिए, एकदम सिंपल है। तो आप लोग अभी देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा क्लिकिनेस आता है, मतलब क्लिक करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। पहले का जो बटन है वो तो स्लिपरी था, प्लास्टिक का बटन है, लेकिन इसमें स्लिपरी नहीं होगा, ये सिलिकॉन का है। और ऊपर बटन का कलर वगैरह भी एकदम उभर के आ रहा है, पहले वाला थोड़ा डल जैसा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक करके बहुत अच्छा फील आ रहा है, और यहाँ पे लाइट वगैरह भी बहुत अच्छे से इंडिकेट हो रहा है, और लॉजिटेक का लोगो वगैरह भी अच्छे से दिख रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है तो इस वजह से बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया, आप लोगों को ये कवर कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को क्या लगता है ये कवर ख़रीदना वर्थ है कि नहीं, मतलब 500 रुपया खर्चा करके ये वाला कवर खरीदना वर्थ है कि नहीं, उसके बारे में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिए। मेरे हिसाब से तो वर्थ है, क्योंकि ख़राब होने के बाद 1500 रुपये दे के फिर से नया कीबोर्ड माउस खरीदने से अच्छा है कि 500 रुपये दे के ये वाला कवर खरीद के उसको बहुत दिन तक यूज़ करें। तो कवर लगाने के बाद कुछ भी ख़राब नहीं होगा, सिलिकॉन कवर है, तो आप लोगों ने देख लिया वीडियो में कि खींचने से लंबा भी हो जाता है। तो ये रबर जैसा मटेरियल है सिलिकॉन, तो बहुत अच्छे से फिट होता है, बहुत अच्छे से ऊपर में बैठा रहेगा, धूल वगैरह अंदर नहीं जाएगा। MK सीरीज़ के सभी कीबोर्ड के साथ ये वाला कवर कंपेटेबल है। तो MK200 हो गया, MK270 हो गया, ऐसे ही बहुत सारे हैं। और अगर आप लोगों का कोई दूसरा ब्रांड है तो उसके लिए आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा अमेज़ॉन में जाके, तो सर्च करने से शायद मिल जाएगा।
अगर नहीं मिलता है तो फ्लिपकार्ट वगैरह में ढूंढ के देख सकते हैं, और अगर आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में मिलता है तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट से मुझे लगता है कि थोड़ा कम प्राइस में मिलेगा, 200-300 में मिलेगा या फिर 300-400 में मिलेगा। तो अगर ऑफलाइन मार्केट में मिलता है तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन मार्केट में ऐसा कोई चीज़ मिलेगा। हर कोई चीज़ ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलता है, छोटे मोटे कुछ चीज़ होता है जो सिर्फ ऑनलाइन में ही मिलता है। तो जो भी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आगे भी देख पाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।